this video contains explanation of the topic or oh, that is the explanation of ncrt question and answers from class 11th economics ncrt book so first see the question number 1 here that is what was the focus of the economic policies pursued by the colonial government in india and what were the impacts of these policies यानी क्या फोकस रहा है किसका इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अप्लाई की थी इंडिया के अंदर और उनका इम्पैक्ट क्या था इन पॉलिसीज़ के बारे में हमने अगर चैप्टर को पढ़ाए ध्यान से तो हमें पता चला कि जितनी भी जो पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की उसमें एक ही बात कंसीडर की उसने कि इंडिया को एज ए रॉ मटेरियल का हब बनाया जाए और जितना भी प्रोसेस प्रोडक्ट है वो लिया जाए तो इसका जो इम्पेक्ट था पॉलिसीज़ का वो हर एक उस चीज़ के ऊपर पड़ा इंडिया में इंडिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो लो हुई जो एग्रीकल्चर था वो खत्म हुआ जो उसका अपना लोकल ट्रेड था यानी जो हैंडी क्राफ्ट ट्रेड था वो सारा खत्म होता चला गया तो सीधा आंसर द मेन फोकस ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कोलोनियल गवर्नमेंट वॉट टू मेक इंडिया अ मेयर सप्लायर ऑफ ब्रिटेन ऑन फ्लोरिसिंग इंडस्ट्रियल बेस तो जो मेन यहाँ पर काम था ब्रिटिशर्स का वो एक ही काम था कि इंडिया को एक सप्लायर की तरह से बनाना था बस द पॉलिसीज़ वर कंसर्न मेनली फॉर द फोर्टिफिकेशन एंड एडवांसमेंट ऑफ देयर होम कंट्री और पॉलिसीज़ का जो मेन कंसर्न था वो सिर्फ एक ही चीज़ को लेके था ताकि जो अपनी होम कंट्री के एडवांसमेंट है उसे किया जा सके द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी वर कम्प्लीटली डोर्ड और जो इंडिया की इकोनॉमी के इंटरेस्ट थे उसे पूरी तरीके से नकार दिया गया सच पॉलिसीज़ brought स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी by ट्रांसफॉर्मिंग by ट्रांसफॉर्मिंग इट टू अ सप्लायर ऑफ raw material एंड कंज्यूमर ऑफ़ finished प्रोडक्ट्स फॉर ब्रिटेन ठीक है तो इससे क्या हुआ कि जो ऐसी पॉलिसीज थी उसने ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज ले किया इंडियन इकोनॉमी के अंदर कि उसे सिर्फ एक सप्लायर बना दिया गया रॉ मटेरियल का और कंज्यूमर बनाओ फ्रिस्ट फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन द इम्पैक्ट ऑफ दिस पॉलिसीज आर डिस्कस एज फॉलोज इन डिटेल और जो इम्पैक्ट हैं उन्हें हमने डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रखा है द फर्स्ट गिवन ईयर इज लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो सबसे पहला था वो क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम होता चला गया कि थ्रू आउट द ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस वेरी लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि जितना भी ब्रिटिश रूल हुआ इंडिया ने क्या चीज़ झेला है कि लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था एज पर समर्चर्स इंडियन इकोनॉमी ग्रो एट इवन लेस दैन टू परसेंट ड्यूरिंग नाइनटीन हंड्रेड टू फिफ्टी ठीक है यानी कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पता चला हमें कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो नाइनटीन हंड्रेड से लेकर नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी तक सबसे कम ग्रोथ रेट है और सिर्फ दो परसेंट रही है द रीजन फॉर सच ए लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट वॉज दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज मोर कंसर्न विद द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ दर होम कंट्री और इसकी जो वजह रही है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिर्फ अपनी होम कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोचा देन सेकेंड पॉइंट इज बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसमें कैसे बैकवर्डनेस आनी शुरू हुई कि अंडर द कॉलोनियल रूल जब कॉलोनियल रूल था इंडिया वाज बेसिकली एन एग्रेरियन इकोनॉमी एम्प्लॉइंग नियरली 85 फाइव परसेंट ऑफ इट्स पॉपुलेशन कॉलोनियल रूल में इंडिया क्या था एक एग्रेरियन कंट्री था यानी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता था नैवर द लेस द ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज मेजर जो ग्रोथ थी एग्रीकल्चर सेक्टर में वो भी बहुत कमतर थी एंड द मेन दिस वॉज ड्यू टू प्रिवेलेंस ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट पर्टिकुलरली जमींदारी सिस्टम जो लैंड सेटलमेंट के अलग अलग तरीके निकाले गए जैसे जमींदारी सिस्टम है वो सबसे बड़ा इसका वजह रही है सो अंडर दिस सिस्टम द जमींदार्स वर रिक्वायर्ड टू पे वेरी हाई रिवेन्यूज लगान टू ब्रिटिश गवर्नमेंट विच देख यूज टू कलेक्ट फ्रॉम द पीजेंट्स लैंड लेबरर्स विच वर एक्चुअली कल्टिवेटिंग तो इन जमींदारों का काम क्या था कि वो एक बहुत ही लार्ज अमाउंट में लगान वसूलते थे, थे ब्रिटिश ब्रित, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसे देने के लिए और वो किससे वसूला जाता था मजदूरों से जो लैंडलेस लेबरर्स से जो वास्तव में खेती करते थे उनसे वो वसूलते थे, थे लगान को सो मोर ओवर इन ऑर्डर टू फीड ब्रिटिश इंडस्ट्रीज विद चीप रॉ मेटीरियल्स द इंडियन पीजें और इसके अलावा भी जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज थी उन्हें क्या चाहिए था कच्चा माल लेने के लिए कैश क्रॉप के ऊपर डाला गया और जो इंडिया की फूड क्रॉप्स थी उससे बिल्कुल खत्म कर दिया गया उसे ठीक है तो इस कमर्शलाइजेशन मीन्स दिस कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नॉट ओनली इंक्रीज द बर्डन ऑफ हाई रिवेन्यूज ऑन पोअर पीजेंट बट ऑल्सो लेट इंडिया टू फेस शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स इसकी वजह से क्या हुआ कि जो छोटे बहुत तबका था मजदूरी तबका था उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ा और इसकी वजह से जो फूड ग्रेन था उसकी शॉर्टेज होने लगी और इसी वजह से जो इंडियन एग्रीकल्चर थी वो रिमेन बैकवर्ड एंड प्रीमेटिव जो इंडियन एग्रीकल्चर थी वो बैकवर्ड और प्रीमेटिव रही दैन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन

कि जो स्टेटस से है इंडस्ट्रियल सेक्टर का ब्रिटिश रूल के अंडर में उसे हम सिस्टेमेटिक कहते हैं। डाउनफॉल ऑफ इंडिया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड कॉज ऑफ ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री वाज द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन वन हैंड क्या था कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का कोज था मेन वो क्या था कि इंडिया में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बिल्कुल बंद कर दिया गया था और जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे थे और जो हैंडीक्राफ्ट था उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं था सो ऑन वन हैंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज हैवी टैरिफ्स ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडी प्रोडक्ट एक तरफ तो जितने भी इंडिया के हैंडी प्रोडक्ट था उसके ऊपर क्या अप्लाई कर रही थी गवर्नमेंट ज़्यादा ज़्यादा टैरिफ लगा रही थी ताकि जो उसका एक्सपोर्ट हो रहा था काफ़ी हद तक तो वो क्या था बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ रहा था तो एंड अलाउड फ्री एक्सपोर्ट ऑफ और जो इम्पोर्ट था यानी है, हेंडी करने के लिए एंड अलाउड फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया रॉ मटेरियल टू तो ब्रिटेन एंड फ्री इम्पोर्ट टू तो ब्रिटिश प्रोडक्ट इन टू तो इंडिया ठीक है जो एक्सपोर्ट था रॉ मटेरियल का इंडियन रॉ मटेरियल का उस पर फ्री एक्सपोर्ट कर दिया गया और जो फ्री इम्पोर्ट था ब्रिटिश प्रोडक्ट का इंडिया में वो लेकिन यहाँ के वो महंगे बेचे जाते थे ऐसे रिजल्ट ऑफ द हैवी टैरिफ हैवी टैरिफ की वजह से द इंडियन एक्सपोर्ट्स बिकम कोस्टलियर एंड इट्स डिमांड इन द इंटरनेशनल मार्केट फेल ड्रास्टिकली दैट लीड टू तो द कोलाप्स ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज और इसका जो रिजल्ट हुआ जो हैवी टैरिफ लगाने का इंडिया का जो एक्सपोर्ट था अब जो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट्स हुए वो बहुत ज़्यादा महंगा होता चला गया और जितना ज़्यादा महंगा हुआ तो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड क्या होती चली गई ख़त्म होती चली गई और इस तरह से जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी साइमल्टेनियसली द डिमांड ऑफ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट ऑल्सो फेल इन डोमेस्टिक मार्केट बट ड्यू टू मार्केट्स ड्यू टू स्टिफ कंपिटिशन फ्राम द मशीन मेड टेक्सटाइल ऑफ ब्रिटेन ऐसा रिजल्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज लैक इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ इनिशिएटिव तो इससे क्या हुआ कि जो मार्केट में बाहर की मार्केट में यानी इंटरनेशनल मार्केट में ही नहीं जो इंडिया की मार्केट थी वहाँ पे भी क्या हुआ हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड घटनी शुरू हुई और जिसकी वजह क्या थी कि जो कंपिटिशन था यानी जो भी आ, मशीनों से बन के आता था, था कहाँ से ब्रिटेन से वो ज़्यादा यूटिलाइजेशन होने लगा एंड लास्ट इज द पॉइंट इज द इम्पैक्ट ऑन रेग्रेशन ऑन फॉरन ट्रेड जो विदेशी कारोबार था वो पूरी तरीके से वो भी खत्म हो गया क्योंकि बहुत सारा डायरेक्ट जो कारोबार था इंडिया का वो भी ख़त्म हो चुका था कि ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द मोनोपोली पावर ऑफ इंडियाज़ फॉरन ट्रेड और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उसकी मोनोपोली पावर थी इंडिया के फॉरेन ट्रेड के ऊपर कि सब कुछ उसी के कंट्रोल में था द ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज द ट्रेड पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ दर होम कंट्री और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने जो ट्रेड पॉलिसी यूज़ की वो अपनी होम कंट्री के अकॉर्डिंग यूज़ की ठीक है जो कारोबार रखा उसने अपनी सिर्फ अपनी कंट्री से रखा ब्रिटेन से द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन वर रेस्ट्रिक्टेड ऑनली टू इंडिया एंड ब्रिटेन अब जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट था वो सिर्फ किसके बीच में रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया इंडिया और ब्रिटेन के बीच में ऑन वन हैंड द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया प्रोवाइडेड द चीप रॉ मेटीरियल्स टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री एंड ऑन अदर हैंड इंडियाज इम्पोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन प्रोवाइड अ वर्जिन मार्केट फॉर ब्रिटेन्स प्रोडक्ट ठीक है और एक तरफ तो क्या था जो एक्सपोर्ट इंडिया कर रहा था वो चीप रो मटेरियल दे रहा था ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को और दूसरी तरफ इंडिया के अंदर इम्पोर्ट हो रहे थे कौन से जो ब्रिटेन के प्रोडक्ट थे इन वेज ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ वर बेनिफिटेड और दोनों तरीके से ब्रिटिश इंडस्ट्री बेनिफिट होती चली गई मोर ओवर द सरप्लस जनरेटेड फ्रॉम द फॉरन ट्रेड वॉज नॉट इन्वेस्टेड इन इंडियन इकोनॉमी और उस ट्रेड से जो भी पैसा बना वो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया गया इंस्टीड इट वाज इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वार पर्पस बाय ब्रिटेन टू स्प्रेड देयर कॉलोनियल पावर और कहाँ पे यूज होने लगा वो यूज़ कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन में और कहाँ पे वार पर्पस में बाय ब्रिटेन टू स्प्रेड देयर कॉलोनियल पावर अपनी कॉलोनियल पावर को स्प्रेड करने के लिए सी द क्वेश्चन नंबर टू नेम सम नोटेबल इकोनॉमिस्ट

एन फिनले शिराज वी के आर वी राव एंड आर सी देसाई और इनमें से आउट ऑफ दीज वी के आर वी राव एस्टिमेट आर कंसिडर टू बी सिग्निफिकेंट जो वी के आर वी राव एस्टिमेट है वो सिग्निफिकेंट माना गया है कि मोस्ट ऑफ दीज स्टडीज रिवील दैट इंडियन इकोनॉमी ग्रो एट लीस्ट एट इवन लेस दैन टू परसेंट ड्यूरिंग नाइनटीन हंड्रेड टू फिफ्टी विद हाफ परसेंट ग्रोथ इन पर आउटपुट पर ईयर कि जो इंडिया की इकोनॉमी थी नाइनटीन हंड्रेड से फिफ्टी में वो सिर्फ दो परसेंट से भी कम पे रही और जो पर कैपिटा आउटपुट था वो ईयर का वो हाफ से भी कम था इसके अंदर आगे ठीक है देन सी क्वेश्चन नंबर थ्री वट वर द मेन कॉजेज ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एस्टेगनेशन ड्यूरिंग द कोलोनियल पीरियड कि वो कौन से मेन रीजंस थे या कॉजेज थे जिसकी वजह से इंडिया का जो एग्रीकल्चरल इस्टेग्नेशन था कॉलोनियल पीरियड में वो स्टेग्नेशन मतलब ठहराव आ गया कि वो तरक्की नहीं कर पाया द फॉलोइंग आर द काजेज एक्सप्लेनिंग स्टेगनेंसी इन इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल ये जो कॉजेज दे रखे हैं इसमें एक्सप्लेन करने के लिए स्टेगनेंसी इन इंडियन एग्रीकल्चर कॉलोनियल रूल में फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम कि जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है उसका इंट्रोडक्शन हुआ सबसे पहले ठीक है अभी पीछे भी पढ़ा था कि जो ज़मींदारी सिस्टम था वो अप्लाई किया गया जमींदार बहुत ज़्यादा रेवेन्यू वसूलते थे, थे और उसे लगान के फॉर्म में किसको दिया जाता था ब्रिटिशर्स को तो इसके अंदर भी है कि दिस वाज ड्यू टू प्रिवेलेंस ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट पर्टिकुलरली जमींदारी सिस्टम दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूसड बाय लॉर्ड कॉन इन बंगाल इन 1793 अंडर दिस सिस्टम द जमींदार्स और ओनर्स ऑफ लैंड वर रिक्वायर्ड टू पे वेरी हाई रेवेन्यू लगान टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट विच दे यूज़ टू कलेक्ट फ्राम पीसेंट्स ठीक है यानि जो लैंड ओनर से उन्हें लगान देना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को जिसकी वसूली वो किससे करते थे जो लैंडलेस लेबर से उनसे वो वसूली की जाती थी ठीक है देन कम्स द फोर्सफुल कमर्शलाइजेशन यहाँ पर फिर क्या आता है इसके अंदर फोर्सफुल कमर्शलाइजेशन आ जाता है इनिशली बिफोर द ब्रिटिश रूल जो ब्रिटिश रूल है उससे पहले द फार्मर वर प्रैक्टिसंग कन्वेंशनल सब्सिशंस फार्मिंग जो ब्रिटिश रूल आने से पहले फार्मर क्या करते थे काफ़ी फार्मिंग करते थे सो दे यूज टू ग्रो क्रॉप्स लाइक राइस एंड व्हीट फॉर देयर ओन कि अपने लिए वो क्या बना रहे थे राइस और क्रॉप्स वगैरह सब बना रहे थे मतलब प्रोड्यूस करते थे लेकिन अपने कंजप्शन के लिए बट आफ्टरवर्ड्स इन ऑर्डर टू फीड ब्रिटिश इंडस्ट्रीज विद चीप रो मटेरियल्स द इंडियन फार्मर्स वर फोर्स टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप्स ठीक है तो क्या किया ये जो सिर्फ वो किस में हुए जो इंडियन फार्मर हैं उन्हें फोर्स किया गया कि उन्हें कमर्शियल क्रॉप्स ही क्या करनी है ग्रो करनी है लाइक इंडिगो रिक्वायर्ड बाय ब्रिटिश इंडस्ट्रीज टू डाई टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड क्रॉप्स लाइक राइस एंड वीट दिस लेट टू द कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर तो उन्हें सिर्फ एक ही बात बोली गई कि तुम्हें कैश क्रॉप ही जो है वो प्रोड्यूस करनी है और फूड क्रॉप नहीं प्रोड्यूस करेंगे इससे कमी होती चली गई एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज एंड रिसोर्स बिसाइड्स द अबाउ फैक्टर्स इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो फेस लैक ऑफ़ इरीगेशन फैसिलिटीज इरीगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी इन सिग्निफिकेंट यूज ऑफ फर्टिलाइजर जो फर्टिलाइजर का इन सिग्निफिकेंट यूज़ था एंड लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं था बिल्कुल भी फ्रिक्वेंट फेमाइंस यानी अकाल पड़ने लगे नेचुरलि कैलमिटीज़ आई सो दस फरदर एक्जगरेटेड द एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस एंड मेड इट मोर वेबल और इस तरह से एग्रीकल्चर को और भी ज़्यादा वेलबल बना दिया गया इन तीन पॉइंट्स के थ्रू